हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो द स्माइल हैज लेफ्ट योर आईज ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की पार्ट 8 वीडियो होने वाली है और ये इस ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की लास्ट पार्ट भी होने वाली है। तो अगर आपने इस ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की मेरे पहले की वीडियोस नहीं देखी तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि ये वीडियो देखने से पहले आप इस ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की मेरे पिछले वीडियो को देख लें। पिछले सारी ही वीडियोस की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हो। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का नेम है ड्रामा जंकी और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है @DramaJunkiee। तो जल्दी से जल्दी मुझे ज्वाइन कर लेना ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो विदाउट एनी डिले चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 8 स्टार्ट होती है और जिन कंग मुयोंग के लिए घर में वेट करती रहती है, लेकिन मुयोंग नहीं लौटता तो वो घर के बाहर जाती है जहाँ वो मेडिसिन का एक पैकेट देखती है। ये देख के वो अपने हाथ में मेडिसिन लगाती है। इसके बाद हम देखते हैं मुयोंग को जो कि सेरन के घर में जाके उसे पूछता है कि क्या जिन कंग उसकी बहन है। तो सेरन बोलती है हाँ वो उसकी बहन है। ये सुन के तो मानो मुयोंग की पूरी दुनिया ही उजड़ जाती है, वो बिल्कुल ही टूट जाता है और फिर वो सेरन के घर से चला जाता है और बाहर जाके यहाँ वहाँ घूमने लगता है और उसकी और जिन कंग की अच्छी मेमोरीज को याद करने लगता है। फिर सुबह होने के बाद वो घर जाता है जहाँ वो देखता है कि जिन कंग उसके घर में सोई हुई है। तो उसे देख मुयोंग जिन कंग के पास से उसके घर के चाबी को लेके उसे बोलता है मैं अब तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता, अब हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए। ये सुन के जिन कंग बिल्कुल ही शॉक्ड हो जाती है। तो जिन कंग उससे पूछती है तुम ये मुझसे मजाक कर रहे हो राइट, क्या हुआ इस 4 घंटे में जो तुम अब आके मुझसे ये सब बातें कर रहे हो। मैं जानती हूँ तुम्हें कुछ हुआ है, मुझे बताओ क्या तुम्हें किसी ने कुछ बोला है। ये सुन के मुयोंग हंस के बोलता है क्या तुम खुद को बहुत ही स्पेशल समझती हो, मेरे लिए तुम और सेयुंगा एक ही है, क्या तुम्हें याद नहीं है सेयुंगा के साथ मैंने क्या किया था। तो सेयुंगा की बात सुन के जिन कंग गुस्सा होके वह हंसी चली जाती है और उसके जाने के बाद मुयोंग अपने घर का दरवाजा बंद करके रोने लगता है। वो जिन कंग को जानबूझ के हर्ट करता है ताकि जिन कंग उससे दूर चली जाए, क्योंकि ऑब्वियसली वो अपनी बहन के साथ रिलेशनशिप में नहीं रह सकता था। अगले दिन मुयोंग घर से निकलने जाता है कि तभी वो देखता है कि जिन कंग उसके घर के बाहर बैठी हुई है। तो मुयोंग उसको इग्नोर करके जा ही रहा होता है कि तभी जिन कंग उसे रोकती है और बोलती है मुझे पता है तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, तुम्हें याद है तुमने बोला था मुझसे कभी भी दूर मत जाना, अगर कभी मैं तुम्हें दूर जाने के लिए बोलूं तब भी तुम मुझसे दूर नहीं जाना। ये सुन के मुयोंग बोलता है क्या तुम्हें ऑफिस नहीं जाना, अब रिलेशनशिप टूटने के बाद क्या तुम जॉब भी छोड़ना चाहती हो। ये बोल के मुयोंग चला जाता है। आगे मुयोंग सेरन के पास जाके उसके जॉब ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और नए पब के काम में जुड़ जाता है। इसके बाद पब से वो घर जाता है जहाँ वो देखता है कि तब भी जिन कंग उसके घर के सामने बैठी हुई है और उसके लिए वेट कर रही है। ये देख के मुयोंग रूम में जाके उसके घर के दरवाजे को बंद कर देता है और जिन कंग रोते हुए उसके दरवाजे के बाहर बैठी रहती है और मुयोंग को दरवाजा खोलने बोलती है। तो जिन कंग की ऐसी हालत देख के मुयोंग जिन कुक को फोन करके जिन कंग को वहाँ से ले जाने बोलता है। तो जिन कुक जिन कंग को मुयोंग के घर से ले जाता है और जिन कंग के जाते ही मुयोंग फिर से जिन कंग के बारे में सोच के रोने लगता है। आगे मुयोंग जिन कंग को भूलने के लिए अपने आप को काम में झोंक देता है और हर वक्त काम करता रहता है, लेकिन फिर भी वो जिन कंग को भूल नहीं पाता और हमेशा उसको ही याद करता रहता है। जिन कंग के जाने से उसकी जिंदगी से जैसे सब खुशी ही चली गई थी। आगे जिन कंग कुछ दिनों के बाद ऑफिस ज्वाइन करती है जहाँ से उसे उसके ऑफिस कलीग से पता चलता है कि मुयोंग ने अब सेरन के पब को ज्वाइन कर लिया है और सेरन ने मुयोंग को उस पब का CEO बना दिया है। तो मुयोंग ने जिन कंग से किया हुआ वादा कि मुयोंग कभी भी उस पब को ज्वाइन नहीं करेगा ये तोड़ दिया है, ये जान के जिन कंग दुखी हो जाती है। इसके बाद जिन कंग एक दिन डॉक्टर जंग मू से मिलती है और उसे बोलती है मुझे अब भी ये विश्वास नहीं हो रहा है कि मुयोंग ने बिना कोई कारण मुझसे ब्रेकअप कर लिया है। ये सुन के डॉक्टर जंगमो बोलते हैं कि मुयोंग की ऑर्फनेज के नन ने मुझे कहा था कि मुयोंग जब ऑर्फनेज में गया था तब उस नन को उसने कहा था कि वो जिन कंग को इम्प्रेस करना चाहता है और मुयोंग ने ऐसा किसी के लिए भी नहीं बोला था, तो मुझे लगता है शायद मुयोंग तुमसे दिल से प्यार करता है। तो ये सब कुछ सुन के जिन कंग वहां से चली जाती है और फिर वो मुयोंग के पब में जाती है। मुयोंग
से मिलने, तो वहाँ उसकी मुलाकात सेरेन से होती है जो कि जिन कंग को बताती है तुम्हें जिन कुक से पूछना चाहिए कि 25 साल पहले उसके और मुयोंग के बीच क्या हुआ था। तो ये सुन के इसके पहले जिन कंग सेरेन को कुछ बोल पाती वहाँ मुयोंग आ जाता है और उसको देख के जिन कंग बोलती है मुझे तुमसे अकेले में बातें करना है। ये सुन के मुयोंग बोलता है तुम्हें जो भी बोलना है वो तुम सेरेन के सामने ही बोलो। इस बात से जिन कंग गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जिन कंग सेरेन की बातों के बारे में याद करती है और सोचती है असल में क्या हुआ होगा मुयोंग और जिन कुक के बीच। ये सोच के वो सोजंग को कॉल करके उससे मिलती है और उससे पूछती है कि 25 साल पहले जिन कुक और मुयोंग के बीच क्या हुआ था। तो सोजंग उससे इसके बारे में पहले कुछ भी नहीं बताती, लेकिन जिन कंग उसको बताती है मुझे पता है कि मैं जिन कुक की असली बहन नहीं हूँ और मुझे ये तब से पता है जब से मैं स्कूल में पढ़ती थी। तो ये सुन के सोजंग जिन कंग को बोल देती है कि मुयोंग के पापा एक क्रिमिनल थे और जिन कुक ने गलती से मुयोंग के पापा को मारा था। ये सुन के जिन कंग शॉक्ड हो जाती है। उधर मुयोंग सेरेन से पूछता है तुमने जिन कंग को क्या बोला। तो सेरेन बोलती है मैंने उसे सिर्फ यही बोला कि तुम्हें तुम्हारे भैया से पूछना चाहिए कि 25 साल पहले तुम्हारे भैया और मुयोंग के बीच क्या हुआ था। तो सेरेन ने जिन कंग को ये बताया है ये जान के मुयोंग गुस्सा हो जाता है और बोलता है मुझे लगा था कि अगर मैं जिन कंग से दूर रहूं तो वो खुश रह सकती है, लेकिन मेरे दूर रहने से भी उसे सब कुछ पता चलने ही वाला है कि मैं उसका भाई हूँ। ये बोल के वो सेरेन के घर से जाने लगता है कि तभी सेरेन उसको रोक के बोलती है अगर तुम नहीं रुके तो मैं अभी जिन कंग को कॉल करूंगी। ये सुन के मुयोंग रुक जाता है जिससे सेरेन समझ जाती है कि मुयोंग जिन कंग से बहुत ही प्यार करता है और वो उसको दुख नहीं देना चाहता। तो सेरेन इस बात से गुस्सा होके मुयोंग को बोलती है मैं जिन कंग को बता दूंगी कि जिस लड़के को तुम पसंद करती थी वो लड़का तो असल में तुम्हारा भाई है। ये सुन के मुयोंग गुस्सा हो जाता है और वो समझ जाता है कि वो कुछ भी कर ले, लेकिन वो सेरेन को जिन कंग को सब सच बताने से नहीं रोक सकता। इसीलिए मुयोंग सेरेन के घर से बंदूक लेके उसको गोली करके मार देता है ताकि वो कभी भी जिन कंग को सच ना बता पाए। इसके बाद मुयोंग वहाँ से चला जाता है। फिर सेरेन के मरने के बाद पुलिस उसके घर के सीसीटीवी फुटेज को चेक करते हैं, जहाँ से पुलिस को पता चलता है कि सेरेन के मरने के बाद मुयोंग उसके घर से निकला था, जिससे पुलिस समझ जाती है कि मुयोंग ने ही सेरेन को मारा है। तो इसके बाद पुलिस मुयोंग को ढूंढने लगते हैं और मुयोंग ने सेरेन को मारा है ये न्यूज मीडिया में आते ही जिन कंग ये न्यूज देख के टूट जाती है और वो ये विश्वास नहीं कर पाती कि मुयोंग ने ही सेरेन को मारा है। इसके बाद मुयोंग जिन कुक को कॉल करता है और उससे मिलने बुलाता है। तो जिन कुक किसी को भी बिना बताए मुयोंग से मिलता है। तो मुयोंग उससे मिलके उसको थैंक यू बोलता है उसकी बहन जिन कंग का ख्याल रखने के लिए। ये सुन के जिन कुक बोलता है क्या बोल रहे हो तुम, तुम्हारा कोई भी सिबलिंग नहीं है और जिन कंग तुम्हारी बहन नहीं है। ये सुन के मुयोंग को राहत मिलती है, लेकिन तब वो ये सोचने लगता है कि उसने सेरेन की बातों पे विश्वास करके सब कुछ बिगाड़ दिया है। अब वो उस खून के किस्से के बाद कभी भी नॉर्मल लाइफ नहीं लीड कर सकता। फिर मुयोंग जिन कुक से पूछता है अगर जिन कंग मेरी बहन नहीं है तो वो कौन है, क्योंकि वो मेरे चाइल्डहुड की सभी मेमोरी में है। तो जिन कुक बोलता है जिन कंग तुम्हारे पड़ोस में रहती थी और तुम दोनों एक दूसरे के बहुत ही क्लोज थे। जिन कंग के पेरेंट्स एक कल्ट में विश्वास करते थे और उन लोगों ने तुम्हारी मम्मी को भी उस कल्ट में ज्वाइन करवाया था। इसके बाद तुम्हारी मम्मी तुम्हारे घर से पैसे लेके भाग गई थी उस कल्ट को ज्वाइन करने के लिए। ये जान के तुम्हारे पापा तुम्हारी मम्मी के साथ साथ जिन कंग के पेरेंट्स को भी मार देते हैं। तो उसके पापा ने जिन कंग के पेरेंट्स को मारा है ये सुन के मुयोंग डर जाता है और जिन कुक से रिक्वेस्ट करता है प्लीज तुम जिन कंग को उसके पेरेंट्स के डेथ की सच्चाई कभी मत बताना। तो जिन कुक बोलता है तुम अपने आप को सरेंडर कर दो तो ही सब ठीक हो जाएगा। तो मुयोंग बोलता है मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, 3 दिन के बाद मैं खुद ही अपने आप को सरेंडर कर दूंगा और तुम मेरे पापा के मौत के लिए अपने आप को दोष देना बंद करो। मेरे साथ और मेरे पापा के साथ जो भी हुआ है इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। ये बोल के मुयोंग वहाँ से चला जाता है। आगे सोजंग जिन कुक को बता देती है कि जिन कंग को स्कूल टाइम से पता है कि वो जिन कुक की असली बहन नहीं है। तो ये जान के जिन कुक जिन कंग को बोलता है तुम्हारा असली नाम जंग यून है और मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ एक बार मुयोंग को ढूंढने के बाद मैं तुम्हें तुम्हारे पास
पास्ट के बारे में सभी सच्चाई बता दूंगा। इसके बाद सोजंग से जिनकंग को पता चलता है कि मुयोंग उसके घर जिनकुक को मारने आया था। ये सुनके जिनकंग सोचने लगती है कि अब 25 साल पहले जिनकुक ने उसके पापा को मारा था, इसीलिए मुयोंग जिनकुक को मारना चाहता था। आगे हम मुयोंग को देखते है जो कि उसके पुराने घर में था। वहां उसे जिनकुक की कही हुई बातें याद आती है कि उसकी मम्मी उस कल्ट को लेकर ऑब्सेस्ड हो चुकी थी और उसके पापा नहीं चाहते थे कि मुयोंग की माँ मुयोंग को भी कल्ट में ज्वाइन करवाए, तो उसकी माँ को रोकने के लिए ही उसके पापा उसकी माँ को मार देते हैं। इसके बाद जिनकुक ने बोला था कि जिनकंग के लिए मुयोंग ही उसका सब कुछ था, क्योंकि उसके पेरेंट्स कल्ट के वजह से उस पे उतना ध्यान नहीं देते थे। और मुयोंग के गायब होने के बाद जिनकंग गुमसुम रहने लगती है और तब वो किसी से भी बातें नहीं करती थी। उसे बहुत दिन लगे थे नॉर्मल होने में। तो ये सुन के मुयोंग पहले विश्वास नहीं करता कि असल में ही वो और जिनकंग चाइल्डहुड में इतने अच्छे फ्रेंड्स थे। तो इसीलिए मुयोंग बोलता है, तुम भी जिनकंग से प्यार करते थे, तुम्हारे पापा के मरने के बाद जिनकंग तुम्हारे पापा के पास दौड़ के आ रही होती है, तभी उसके ऊपर गर्म पानी गिरने लगती है, तभी तुम उस गर्म पानी के नीचे आके जिनकंग को प्रोटेक्ट करते हो, इसीलिए तुम दोनों के हाथ में जलने के निशान है। तो ये सब कुछ याद करके मुयोंग अपने आप को बोलता है, मैंने जिनकंग को बचाया है, इसलिए मुझे अपने आप पर गर्व है। आगे जिनकंग इंटरनेट पे माउंट गुमा के आसपास के घर के बारे में सर्च करती है। तभी जिनकंग को सैटेलाइट इमेज से पता चलता है कि उस माउंटेन के पास एक घर है। ये जान के जिनकंग तभी उस घर में मुयोंग को ढूंढने जाने के लिए निकल पड़ती है। और अगले दिन जिनकुक आके जब देखता है कि जिनकंग घर में नहीं है, तब वो उसके कंप्यूटर को चेक करता है और उसमें सर्च रिजल्ट से उसे पता चलता है कि जिनकंग ने रिसेंटली माउंट गुमा के बारे में सर्च किया है। तो ये देख के वो समझ जाता है शायद जिनकंग मुयोंग को ढूंढने के लिए उसके घर गई हुई है। इसीलिए जिनकुक भी जिनकंग को ढूंढने के लिए हेसान में मुयोंग के घर में जाने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ चेयरमैन जंग जो कि उसंग और सेरेन के पापा थे, उन्हें पता चलता है कि मुयोंग के वजह से ही उसके दोनों बच्चों की मौत हुई है। तो ये जान के गुस्से में चेयरमैन जंग मुयोंग को मारने के लिए सेरेन के सेक्रेटरी को भेजते है। उधर मुयोंग एक लेटर लिखता है जहाँ पर वो लिखता है कि जिनकंग ने मुझे एक अच्छा इंसान बनने बोला था, लेकिन अच्छा इंसान बनने के बजाय मैं एक खूनी बन गया हूँ। वो जब उस लेटर को लिख रहा होता है तभी जिनकंग हेसान में उसके घर में पहुँचती है और उस घर में पहुँच के जिनकंग को चाइल्डहुड की मेमोरी याद आती है, कैसे वो मुयोंग के साथ चाइल्डहुड में रहती थी। इसके बाद जिनकंग मुयोंग की डेस्क से गन को उठा के मुयोंग से पूछती है, क्या तुम इस गन को जिनकुक को मारने के लिए लाए थे? क्या जिनकुक ने तुम्हारे पापा के साथ जो भी किया था उसके लिए तुम गुस्से में जिनकुक को मारने हमारे घर आए थे? तो मुयोंग बोलता है, हाँ मैं जिनकुक को मारने तुम्हारे घर गया था। ये सुन के जिनकंग बोलती है, मुझे तुम्हारे लिए बुरा लगता है क्योंकि मेरे भाई ने तुम्हारे पापा को मारा था, तो मैं अब जिनकुक की जगह मरूंगी ताकि तुम्हारा रिवेंज पूरा हो जाए। ये बोल के जिनकंग गन को चलाने जाती है, लेकिन मुयोंग उसे रोकता है और बोलता है, क्या तुम सच में ही मरना चाहती हो? तो जिनकंग बोलती है, नहीं मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। ये बोल के जिनकंग बोलती है, मैं जान चुकी हूँ कि तुम्हारे पापा ने मेरे पेरेंट्स को मारा है, तो अब मैं जानती हूँ तुम्हें तब कैसा लगा होगा जब तुम्हें पता चला कि जिनकुक ने तुम्हारे पापा को मार डाला, लेकिन मेरे लिए तुम सिर्फ तुम हो और तुम्हारे पापा से अलग हो। तुम्हारे पापा ने जो भी किया उसके लिए मैं तुम्हारे साथ नाइंसाफी नहीं करूंगी और तुम्हारे पापा के करतूतों के लिए मैं तुम्हें हेट नहीं करती। तो शायद सोजंग ने जिनकंग को उसके पेरेंट्स के मौत के बारे में बताया होगा। तो जिनकंग की बातें सुन के मुयोंग बोलता है, लेकिन अब मैं एक खूनी बन चुका हूँ क्योंकि मैंने इस बार ये खून किया है। ये सुन के जिनकंग बोलती है, तो तुम सरेंडर कर दो और उसके बाद हम फिर से अपनी जिंदगी नए तरीके से शुरुआत करेंगे। तो मुयोंग बोलता है, अब मैं अपनी जिंदगी की नई शुरुआत नहीं कर सकता और मैं सिर्फ अब मरना चाहता हूँ। ये सुन के जिनकंग बोलती है, अगर तुम मर गए तो मैं भी तुम्हारे साथ मर जाऊंगी, मैं तुम्हारे लिए ही जी रही हूँ, अगर तुम ही नहीं रहे तो मैं जी के क्या करूंगी, मैं भी मर जाऊंगी। ये सुन के मुयोंग बोलता है, नहीं मैं नहीं चाहता तुम मरो और मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। और वो दोनों जब बातें कर रहे थे तभी चेयरमैन जंग के कहने पर सेरेन की सेक्रेटरी वहां आके मुयोंग के ऊपर गोली चलाता है, लेकिन एंड वक्त पे
है जिन कंग मुहियों के आगे आ जाती है, जिसकी वजह से वो गोली जिन कंग को लगती है। इसके बाद सेक्रेटरी मुहियों को गोली मारता है और उन दोनों को मार के वो चला जाता है। और मरने से पहले मुहियों जिन कंग को लास्ट बार के लिए आई लव यू बोलता है और फिर वो दोनों ही मर जाते हैं। तभी वहाँ जिन कंग को ढूंढने के लिए जिन कुक आता है और जिन कंग को मरा हुआ देख वो बिल्कुल ही टूट जाता है। यहाँ हमें मुहियों के लिखे हुए लेटर की कुछ लाइन्स दिखाया जाता है, जहाँ पर उसने जिन कुक के लिए लिखा था, प्लीज मेरे लिए दुखी मत होना, 25 साल से तुम गिल्ट में जी रहे हो, अब बस करो। और लास्ट सीन में मुहियों हमें नरेट करते हैं, मैं अपनी जिंदगी में कुछ मिस कर रहा था, इसीलिए मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की और उसी जर्नी में चलते चलते मेरी मुलाकात जिन कंग से हुई और उससे मिलके मैं फिर से सांस लेने लगा। और यहाँ ही ये ड्रामा खत्म होती है। ये ड्रामा बहुत ही अच्छी थी और लास्ट पार्ट बहुत ही सैड थी। मुझे लास्ट में जिन कुक के लिए सबसे ज्यादा बुरा लगा। वो मुहियों के पापा के मरने की उस घटना के बाद नहीं जिंदा रहना चाहता था, लेकिन इतने दिनों से वो जिन कंग के लिए ही जी रहा था और अब जिन कंग ही नहीं रही। तो यही थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।